और येलो साइला अभियान पार्ट टू का समारोह हुआ शुभारंभ। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य। साइला उपखंड मुख्यालय पर ग्राम पंचायत साइला द्वारा चलाए जा रहे हरियालो साइला पार्ट अभियान दो का मंगलवार को लहर भारती कुटिया के महंत राज भारती महाराज के सानिध्य में व उपखंड अधिकारी सीमा तिवारी के मुख्य अतिथि व सरपंच रजनी कंवर की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि नाते नायब तहसीलदार गणपत सिंह जोधा, साइला थानाधिकारी ध्रुव प्रसाद एवं उप सरपंच प्रकाश मेघवाल मौजूद रहे। सर्वप्रथम अभियान का अतिथियों के हाथों लहर भारती कुटिया में पौधारोपण कर शुभारंभ किया गया। इस मौके उपखंड अधिकारी तिवाड़ी ने कहा कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण एवं बढ़ते भौगोलिक तापमान को रोकने के लिए पौधारोपण की महती आवश्यकता है। उन्होंने बारिश के मौसम में खेत की मेड़, सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों, सड़क किनारे आदि स्थानों पर पौधारोपण करने की अपील की। सरपंच रजनी कंवर ने कहा कि गत वर्ष हरियालो साइला अभियान का शुभारम्भ किया गया था। अभियान के तहत भमाशाओं के सहयोग से साइला में विभिन्न स्थानों पर करीबन 1000 पौधे लगाए गए थे। वहीं अभियान के तहत इस वर्ष भी 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत लहर भारती कुटिया, शीतला माता चौक, गेयर स्थल, खेल मैदान एवं कात्यायनी माता मंदिर, गौशाला समेत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा। अभियान के तहत लहर भारती कुटिया का सौंदर्यकरण किया जाएगा, जिसमें विभिन्न छायादार, फलदार एवं आकर्षक फूलों वाले पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही भमाशाओं के सहयोग से बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के झूले एवं फिसल पट्टी आदि लगाए जाएंगे। वहीं लोगों को आकर्षण एवं मनोरंजन के लिए फवारे भी लगाएंगे। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी रमाकांत ताराराम चौधरी, लुकाराम राजपुरोहित, भाजीमो जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह दैया, समाजसेवी शंभू सिंह, मोटाराम चौधरी, जूटाराम घासी, बगदाराम सुथार, पद्माराम चौधरी, पूनमाराम प्रजापत, शंकर भारती धनराज, दुर्गेश घासी, शिवदान सिंह भाटी, पन्नालाल घासी, पारसाराम राणा, मिठू दास, देवी सिंह, सुरेंद्र सिंह रावणा, कालूराम सुतार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।